जय हिंद जी। जलंधर से संदीप खोसला, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कॉस्मेटिक जलंधर, सबको नमस्कार, जय हिंद बोल कहता है। मेरी जो फरियाद है, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जिनको पूरी पब्लिक, कांग्रेस के वर्कर, एमएलए साहिबान, मंत्री साहिबान, पूरा देश प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट के, 2019 के इलेक्शन में, भारी मतों से जीत करके हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ऐसी हमारी कामना है, भगवान के आगे दुआ है। और 15 अगस्त 2019 लाल किले का जो झंडा हमारे राहुल गांधी जी, माननीय ऑल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वो झंडा फहराएं, रात दिन वर्कर यही कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री बने, रात दिन हम मेहनत करके उनको बारी मतों से जिताएं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है राहुल जी, वर्करों की अनदेखी हो रही है। वर्करों को मिलना मान सम्मान वो नहीं मिल रहा, वर्करों को जो मान सम्मान चाहिए वो नहीं हो रहा। वो चाहे एमएलए हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे हमारे पंजाब के अध्यक्ष हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई बार मिलने की कोशिश की गई, फोन किए गए पीए साहब को, टाइम दिया गया लेकिन नहीं मिले। जलंधर दौरे पे आए, उनसे फरियाद की कि वर्कर क्या है, वो कहते हैं मैं परेशान हूँ, आगे मिलूँगा आपको, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। पार्टी अध्यक्ष के पास टाइम नहीं है, जो पंजाब के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके पास वर्करों के लिए मिलने के लिए टाइम नहीं है। कितनी बार फरियाद की गई है, अर्ज की गई है, कितनी बार वर्कर से मिले हैं, मुझे ये बताएं कब पार्टी वर्करों से वो मिले हैं, कितने वर्करों को उन्होंने फोन किया है। पार्टी वर्करों से मिलेंगे तो उनको मनोबल बढ़ेगा, पार्टी वर्करों को वो समझेंगे, मिलेंगे, मनोबल उनका बढ़ेगा, नहीं तो वर्कर है यूज करने के लिए, इलेक्शन आ गए तो वर्कर यूज कर लो, श्रद्धांजलि है तो वर्कर यूज कर लो, धरना देना है तो वर्कर यूज कर लो, लेकिन वर्कर का मान सम्मान कब होगा, जब पैराशूट से कुछ लोग आते हैं तो उनका मान सम्मान होगा, वर्कर कहाँ पे है। एक तरफ पार्टी कहती है कि वर्कर ये रीढ़ की हड्डी है, एक तरफ तो पार्टी कहती है हमारी कि वर्कर तो रीढ़ की हड्डी है, वर्कर के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्कर की तो पूछ ही नहीं है। जब तक वर्कर को मान सम्मान नहीं होता तो वर्कर टूट रहा है। और मेरी फरियाद राहुल गांधी से है, जैसे वो मंत्री लोगों से, एमएलए साहबान से मिलते हैं, ऐसे वर्करों को मिले, उनका दर्द समझे, उनके दिल में क्या है, लेकिन उनका दिल जो दर्द है दिल का, वो कोई नहीं समझ रहा। किनको सुनाए अपना दर्द, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिता दी है, कोई तो सुनने वाला चाहिए, लेकिन सुनने वाला हमारे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं। हम उनको फरियाद करते हैं कि वर्करों को जो मान सम्मान होना चाहिए, और उनकी फरियाद आप सुनो, आप जानो उनके साथ क्या बीत रही है, उनको टाइम दो उनसे मिलो। वर्कर दिल की जो भड़ास है वो पूछो कि क्या हो रहा है। मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से कि 2019 में हमारी कांग्रेस सरकार आएगी और भारी मतों से हम विरोधी पार्टी को हराएंगे। लेकिन फिर मैं बार बार बेनती करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि जो वर्करों का दर्द है वो समझें, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें, उनको टाइम दें। लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्करों को नहीं समझ रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कर टूट रहा है, और वो नहीं चाहते कि वर्कर आगे बढ़े,
राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सके। तो बार बार मैं यही बेनती करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से श्री राहुल गांधी से कि वर्करों से मिलें और उनका मान सम्मान करें। पंजाब में और पंजाब में बड़ी मुश्किल से वर्करों ने मेहनत करके पंजाब में सरकार लाई है। आपको पता होगा कि पंजाब में बड़ी मुश्किल से 10 साल जो वर्करों ने अपने ऊपर जो दुख दर्द झेला है, संताप झेला है, लेकिन वर्कर डटा रहा है कि सरकार लाके रहेंगे और सरकार लाके रही। आज सरकार है लेकिन फिर भी वर्करों की सुनवाई नहीं है, वर्करों को कोई नहीं पहचानता। वर्कर अपना काम खुद का वो आप खुद करता है और जो यहाँ के ऑफिसर हैं वो वर्करों को पहचानते नहीं हैं क्योंकि ऊपर से आर्डर नहीं है। मैं तो फिर भी बार बार यही अपने अध्यक्ष से कहता हूँ कि वर्कर जो रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, किसी को हमने टूटने नहीं देना, उनके दुख दर्द समझने हैं और उनका साथ देना है। मैं बेनती करना हूँ जो पैराशूट आई से आ रहे हैं उनको, एक मैं बेनती और करने जा रहा हूँ उनकी जगह जो पुराना वर्कर जो पैराशूट के राही आ जा रहे हैं उनकी एंट्री बंद हो। और जो वर्कर है जो रात दिन मेहनत कर रहा है और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है पार्टी से, और कभी पार्टी को छोड़ के नहीं गया, उसको आगे रहो, उनको पार्टी के साथ जोड़ के उसको आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोशन दें। वर्कर ये नहीं चाहता कि मुझे कोई उसकी पे मिले, वर्कर सिर्फ इज्जत मान चाहता है। मैं फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी से कहता हूँ कि वर्कर की पहचान होनी चाहिए। ये वर्कर ही है जो रात दिन एक मंगतों की तरह वोटे मांगता है और दुआ करता है कि हमारी सरकार आए और सभी का भला हो। इसी के साथ और ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय भारत।